गाइस कैसे हो आप लोग दोस्तों। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने टी सीरीज़ पे देखा एक जो मूवी का ट्रेलर आया हुआ है जिसका नाम है झुंड। इस मूवी का ट्रेलर के देखने के बाद मैं क्या कहूँ यार, मतलब सच ए ग्रेट ट्रेलर यार। और अमिताभ बच्चन के बारे में तो कहना ही नहीं है, वो तो मतलब वो ऐसे बुक हैं जिस लेसन को मतलब ना एक्टिंग पे उसको पढ़ना और उस पर निभाना उस पर वो मतलब नामुमकिन है। वो एज अ मतलब जो जो उनकी इमेज है ना बिग बी की, वो कोई भी मैच नहीं कर पाएंगे एक्टिंग की, चाहे वो कुछ भी हो। वो उनका होता है वो तो नेक्स्ट लेवल भी होने वाला है। बाकी बात करें ट्रेलर में क्या हमें देखने को मिला और क्या होने वाला, तो ऐसा जो ट्रेलर दिखाया गया है उसमें साफ साफ पता चला कि स्लम से जितने भी किड्स हैं जो मतलब ना मिसगाइडेड है, कहीं ना कहीं किसी लत से, गंदे लत से है या तो किसी चीज़ से मतलब प्यार है मगर उस चीज़ मतलब उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और मतलब कि जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी सारे दिक्कत से गुजर रहे हैं जिसके कारण से जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं मतलब ना मिसगाइडेड और वो क्या बोलते हैं उसको स्पॉइल हो रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड मूवी है ऐसी, मतलब कि जो हमारे आप लोगों को पता होगा जो बर्सी साहब हैं उन पे ये रिलेटेड है ये मूवी। मतलब अमिताभ बच्चन सर उसकी जो कैरेक्टर निभा रहे हैं उनके ऊपर, तो वो क्या करते हैं जितने भी स्लम्स के हैं जो किड्स उनको मिल रहे हैं मिसगाइडेड, वो क्या करते हैं उनसे चुन कर जो है एक टीम तैयार कर रहे हैं फुटबॉल सॉकर की, जिससे एक मतलब कि स्पोर्ट के नाम पर उनका भी फ्यूचर है या फिर जो भी उनके साथ हो रहा है वो उनसे चेंज हो जाए उसकी लाइफ, और जो मतलब कि जो हम लोग देखने की नज़रिया है वो कहीं ना कहीं वो चेंज हो जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा कुछ देर चलने के बाद एक अच्छी इतनी अच्छी डायलॉग्स निकल के आती है कि मैं यहाँ पर मुझे सुधरना चाहता हूँ, मुझे सुधरने क्यों नहीं दे रहे हैं। उसके बाद में जो अमिताभ बच्चन सर की है उनकी जो वहाँ पर डायलॉग्स होती है, तो डायलॉग्स भी इनमें ना वो काफ़ी अच्छी रिटेन किए गए हैं ऐसे यहाँ पर लग रहा है देखकर, जो ट्रेलर देख के लगा। और एज अ ग्रिपिंग भी और थ्रिलिंग मूवी को मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के जो कॉन्ट्रास्ट में भी काफ़ी फिल्म आ चुकी हैं, पर ये मूवी कितनी ग्रिप कर पाएगी और थ्रिल कर पाएगी और ट्विस्ट टर्न के साथ में। अगर एक्टिंग की बात करें तो जितने भी उसमें किड्स जितने भी एक्टर काम कर रहे हैं, जितने भी बच्चों का रोल निभा रहे हैं, वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं ट्रेलर पर। और वो मुझे लगता है ना एज अ काफ़ी अच्छा मतलब कि स्क्रीन प्ले होगी। अब फिल्म कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगा जो अमिताभ बच्चन सर हैं उनके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते, फिल्म पूरी डिपेंड करने वाली स्क्रीन प्ले पर कि फिल्म हमें क्या देती है। और लास्ट में तो मैसेज देके जाएगी, सोशल मैसेज जो भी होगी, पर कहीं ना कहीं स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस टाइप की फिल्म में। अगर ग्रिपिंग फिल्म में नहीं हुई तो कहीं ना कहीं ये फिल्म बिखरती हुई नज़र आ जाएगी शुरू में। एज अ वेल मगर मैं फिल्म को अगर ट्रेलर को देखा ना तो थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा लैग है बीच में, पर नहीं, फिर जो कंटिन्यू करती है ट्रेलर वो काफ़ी बेहतरीन है और इसी टाइप से मुझे लगती है फिल्म भी काफ़ी बेहतरीन निकल के आएगी। तब देखते हैं फिल्म जो है वो रिलीज़ हो रही है तो उसके बाद उस समय में क्या निकल के आता है, तो उसका रिव्यू तो मैं जरूर दूंगा आप लोगों को। तो मैं चैनल पे इसी टाइप से रिव्यू के लिए मेरे चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी मूवी के अपडेट में और रिव्यू में। बाय बाय, धन्यवाद।